सावन महीने के तीसरे सोमवार में छोटी काशी मंदिर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में तिल धरने की जगह नहीं थी। भारी संख्या में भक्तों ने शिव के दर्शन किए। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शनों के लिए लंबा इंतजार लाइनों में लगकर करना पड़ा। भक्तों ने अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक किया। सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान शिव को दूध, बेलपत्र, गंगा जल अर्पण किया। भक्तों का कहना है कि शिव भोले हैं, वो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार भगवान शिव को अर्पित है, इसीलिए सोमवार को भोले के दर्शन करने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोले बाबा का दिन है ही सोमवार है, तो इसी दिन इनकी पूजा करी जाती है। आम दिनों में भी लोग सोमवार को ही ज्यादा जल चढ़ाने आते हैं, बाकी दिन तो आते हैं तो दर्शन करते हैं, लेकिन जल सोमवार को ज्यादा चढ़ाते हैं। जल लाई हूँ, थोड़ा शक्कर वगैरह सब डाल के, तो अभी अंदर बाबा जी के भी तो बहुत रश है, नंबर आएगा, तो फिर शिवलिंग पर वो जल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, दूध चढ़ा के प्रार्थना करेंगे। भोले शंकर के दर्शन करना अच्छा लगा। सोमवार का दिन का व्रत भी किया है, तो इस धर्म में मैं मंदिर में आके अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है दर्शन किया और बहुत अच्छा फील हुआ। सभी भक्तजन भोलेनाथ की पूजा करने आए, उनको मानते हैं, तो यहाँ भूतनाथ में सभी आते हैं, अंदर हजारों लाइनें लगी हैं पीछे लोगों की। जो भगवान की आस्था है वो सावन महीने में लोग ज़्यादा मानते हैं, और इसीलिए सावन महीने के लास्ट सोमवार में हम दर्शन करने आए हैं। वही मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि तीसरे सोमवार को सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आवागमन, पूजा पाठ चला हुआ है। भगवान को खीर का भोग लगाया जाएगा और भक्तों को भी प्रसाद बांटा जाएगा। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में श्रावण मास का तीसरा सोमवार चला हुआ है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आवागमन और पूजन पाठ सेवा सब चला हुआ है, और इसी प्रकार संध्या काल तक चलता रहेगा। और बाबा के लिए खीर का भोग बन रहा है, प्रसाद खीर बनेगा और भक्तों को वितरण किया जाएगा। संध्या काल में बाबा का श्रृंगार करना है, इसके लिए बेसन के लड्डू बन रहे हैं जो संध्या काल में श्रृंगार किए जाएंगे, और सभी भक्तों को बाबा भूतनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी दर्शन पूजन कर रहे हैं विधि विधान से, और इसी प्रकार से श्रावण मास का तीसरा सोमवार संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है।